मामा बिजी है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आइए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो गाइस जा रहा हूँ मैं काम पे और अभी बज चुके हैं मॉर्निंग के 9:30। नाश्ता वेचा सब कुछ हो गया और क्या बोल रहे चालू? अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? मेरी नकल कर रहा है, इसे जा कर रहा ना वैसे कर रहे। उम्मीद है सब कहे संगीत आया तो ब्लॉग शुरू करते हैं। आप लोगों का वेलकम है ब्लॉग में। हम लोग का नाश्ता वगैरह सब कर हो गया तो फातिमा के अब्बू जा रहे काम पे। आज मुझे कपड़ा भी धोना है तो ये सब पहले ला के देंगे। थोड़ा कम्फर्ट धनिया की मुक्की सब ला के दे के फिर चले जाएगी। चलो ठीक है, ला के देता तुम्हारे को मैं। सही में थैंक यू, नजर मत लगाना मेरे को। मेरे वस्ते अच्छा अभी जाकर काला टीका लगाता हूँ। हाँ बेटा वालेकुम अस्सलाम, जा रहा हूँ मैं, टाटा बाय बाय। आज ना आप दोनों अब्बा के पास जाने का, देखते हैं अब्बा अपने को कहाँ पे काम पे रखने वाले हैं। यहाँ से मैंने ले लिया सरफ और कम्फर्ट, जो भी चिल्लर जमा किया था मैंने इसमें पॉकेट में, सब खाली हो गए। देखो आगे ले उसमें सब चिल्लर रखा देता। तो वहीं से मन्नी भाई की दुकान पे भी आ गया था और कुछ सामान लेने के लिए। फिर यहाँ से मैंने बाल्टी में पहुँचा दिया, सालियान ऊपर घसीट ली। बारिश का मौसम बना हुआ है और जस्ट अब्बा ने मुझे अभी फ़ोन किया है। लोगों ने जावेद भाई के साइड पे बुलाए हैं और अभी मॉर्निंग के बज गए हैं 10 और जावेद भाई के साइड ना कुछ ज़्यादा ही अर्जेंट है, तो इसलिए अब्बा जितने भी पंटर लोग हैं ना सबको वही बुलाए हैं फाइनल देने का। और बाहर का काम रहेगा ना तो बारिश की वजह से वो नहीं हो पाएगा, अंदर अंदर का जो भी काम है वो अपन करके ले लेते हैं। भी हो गई है बारिश। अब्बा देखो बाहर खड़े रह गए ना, सबको फ़ोन लगा रहे कोई आया कि नहीं आया। और ये वाली साइड है, सबको फ़ोन लगा रहे आया कोई नहीं आया। यहाँ पर फुल स्विंग लेने वाली है। हाँ बस काम हुआ। और अब्बा कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम गाइस। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। तो यहाँ पर देखो ऑलपेड मार दिए हैं, अभी फोर सीलिंग की तैयारी हो रही है। मैं क्या करूँ, ग्रिल मारूँ? नहीं नहीं हम बता रहे हैं। अच्छा बाथरूम? अरे नहीं यहाँ नहीं, फिर जाना है अख्तर वगैरह को फायर हुआ ना, मुझे तो मालूम नहीं था चले भाई। यहाँ पर मुझे काम नहीं जाने का, मेरे को जाने का अलग वाली साइड पे, अब्बा के अंडर में नहीं है दूसरे के अंडर में, सिर्फ अब्बा मुझे वहाँ पर हाजिरी में लगाए तो ठीक है। चलो चलो और यहाँ पर डब्बा भरा माल ले लिया हूँ, ठीक है। और टाइमिंग पगार वो लोग देंगे। चलो मुझे माल लेके जाने का, तो हिम्मत अंकल की दुकान पर माल लेने के लिए। स्कूल जा रहे क्या? स्कूल से आ रहे? जा रहे स्कूल। अच्छा ये देखो भाई जा रहे अलग स्कूल। चलो जाओ टाटा, संभाल के जाना, अच्छे से पढ़ाई करना ठीक है। चलो हाथ मिला लो, तुम भी हाथ मिला लो। इधर काला वो किया। हाँ ये काला कलर किया अपना। क्या है साहब, डब्बा बरस उठा चल दिए काम पे, तो मैं पहुंच गया था साइड पे। यहाँ पर अभी फालका बंद है, अभी खोलेंगे। तो चलिए भाई मैं पहुंच गया था ऊपर, ये जो फालका है ना ये वाला मारने का, और उसके नीचे एक और फालका है, यहाँ पर अपना माल रखा हुआ। चलिए फटाफट बना के शुरू करते हैं। चलो भाई चाय भी आ गई है, चाय पीते हैं उसके बाद फिर कंटिन्यू करते हैं। देखो कितना बाकी है। नीचे का ये वाली रेली है, ये क्या बोलते हैं, मैंने साइड का है वो मार दिया था और ये वाली रेली मार दिया था, फालका मारे रखा उतना मेरे को बारिश। मेरे ख्याल से आपको काम बंद करना पड़ेगा या तो फिर देखते हैं, इंतज़ार करते हैं जब तक ये वाली ग्रिल मार के ले। पूरा डबल हाथ मारने का है, वो जो बड़ी बड़ी ग्रिल दिखे ऊपर और नीचे वाली सब पे वापस एक हाथ और घुमाने का। तो आज नहीं, अभी तो बारिश हो गई है, देखो अभी क्या होगा। तो गाइस मैं आ गया घर पे और मेरे काम की छुट्टी हो गई है। और आते आके देखा तो माँ मेरी यहाँ पर सोलिया क्या कर रही है, देखो भाई वॉशिंग मशीन में कपड़ा धो रहे हैं। और मेरे को बोलते तुम चुपचाप साइड में बैठना, मुझे कुछ डिस्टर्ब नहीं। ये रहे ना, मुझे बहुत डराते हैं कि वॉशिंग मशीन में ज्यादा मत डालो, मुझे भी पता है आगे कपड़े धोने। ओके ओके। और यहाँ पर देखो भाई जो हम लोग ने क्या बोलते अपना पाइप बड़ा किया ना, डायरेक्ट मोरी में जा रहा है, वहाँ डाल रहे पानी नहीं जाएगा ना, लेकिन ऊंचा पड़ेगा ना। नहीं नहीं जा रहा बराबर, तो उसके अंदर थोड़ा बच जाएगा पानी। हाँ थोड़ा बहुत रहेगा। और क्या बोल रहे चालो, मस्त कपड़े वपड़े धो रहे? अरे वहाँ मेरी क्या बात है यार, माशाल्लाह। अल्लाह सलामत रहे अब्बा। कामा की छुट्टी हो गई? छुट्टी नहीं हो गया, बारिश गई, खाना बारिश गई भाई। पानी है वो क्या, दो मिनट में सूखेगा क्या? कुछ भी बोलते हैं अब्बा यार, तो पट्टी पे रहेगा, पूरी ग्रिल भीगी हुई है, पूरा ऐसे टपटपा रहा है। हाँ तो सूख जाएगा, तो अभी दोपहर बाद जाके चेक करूँगा अगर। हाँ ठीक है, दोपहर बाद जाके चेक करूँगा, अगर सूखेगा तो काम कंटिन्यू होएगा, वरना फिर काम की छुट्टी हो गई। ये देखो भाई इधर अम्मी इधर, इन लोग दोनों कार्टून देख रहे हैं, चालू करके दे दिया है, नहीं तो इन लोग पता ना अम्मी को कपड़ा धोने नहीं देंगे इसी वजह से। आप इसको देखो वाइब्रेशन हो रहा है ना, इसलिए पकड़ के खड़ा है। अबे पड़ी 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 पड़ी
अरे अरे क्या हो, यहाँ पे अपना खाना भी रेडी हो गया गाइस, खाना खाते हैं और चलते हैं वापस काम कंटिन्यू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह गाइस, मेरा खाना ना सब खा के हो गया और मेरा ब्लॉग ना दोपहर में 3 बजे आता है, तो बस 3 बजे अगर ऊपर नीचे भी हो सकता है लेकिन 3 बजे का करेक्ट टाइमिंग है। चलो बाबू अल्लाह हाफिज़। तो मैं आ गया हूँ साइड पर और ऊपर वाली जो सबसे ग्रिल है ना वो हल्की हल्की सूख गई है ये देखो, लेकिन फिर से बारिश का मौसम बना हुआ है, मारूंगा फिर काम रोकना पड़ेगा। तो ये जो ये वाली ग्रिल है ना सिर्फ इसको टचअप करके ले लेता हूँ और फिर देखते हैं जैसा मौसम रहेगा उस हिसाब से काम करेंगे। देखो ये पूरी मारने का, बाकी ये वाला तो जो बड़ी वाली ग्रिल दिख रही है ना भाई, यहाँ पर ना छोटे टेबल से मैंने कैसे कैसे करके मारा हूँ, फाइनली पूरी हो गई है, ऊपर का हो गया मेरा ग्रिल मार के। और अभी 5:30 बज रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन काम हुआ है मेरा, आते साथ दोनों फालका मार दिया, ये वाली रेली मार दिया, ऊपर का पूरा घुमा दिया और ऊपर के नीचे की एसी वाली दोनों खिड़की मार दिया। क्या बात है यार, अब्बा खुश हो गए, बोले छोटू ने एक नंबर काम किया आज। और अभी बाकी है कम से कम 1.5 घंटा बाकी है, तो ये सीढ़ी भी मारने का है, तो मैं नीचे से ना फटाफट इसको मार के ले लेता हूँ। जब छुट्टी का टाइम होता है ना तो हाथ ऑटोमेटिक फास्ट चलने लगता है, मैंने उतने टाइम में ना नीचे से पूरी सीढ़ी और ये साइड का बॉर्डर भी मार लिया हूँ। और अभी 6:40 हो गए हैं, मेरे काम की छुट्टी हो गई, चलिए पैसा ऐसा लेते हैं और चलते हैं घर पे। चाय मैंने ना मेरे काम की छुट्टी हो गई, पैसा ऐसा लेके जा रहा हूँ अभी, और चाय मैंने ना साइड पे इतनी पी लिया कि अभी ना ज़रा भी पीने का दिल नहीं कर रहा है। तो मैंने ना अंडा ले लिया दुकान से, अंडा तलेंगे और रोटी रखी हुई है, रोटी के साथ खाएँगे मस्त एकदम मज़ा आ जाएगी। सालिया अंडा लेकर आया हूँ, अब चाय नहीं पियेंगे ठीक है, अंडा और रोटी खाएँगे ठीक है, मस्त अच्छे से कांदा मिर्ची वगैरह जो भी है डाल के तलना, एकदम मज़ा आ जाना चाहिए ओके। मैं कंटिन्यूसली काम करता हूँ ना तो मेरा स्किन ना एकदम ऑयली हो जाती है, तो ये ऐसा है ना पूरा ऑयल ऑयली दिख रहा है, तो फटाफट नहा धो के फ्रेश होते हैं भाई। तो नहा धो के हो गया मैं फ्रेश और यहाँ पर अपना नाश्ता करते हैं, आप लोग भी आइए नाश्ता करने के लिए। और अरहान बाबू का देखो यहाँ पर ना हाथ कट गया, अल्लाह अभी जस्ट मैंने दवाई लगाया हूँ, पता नहीं कैसे कट गया इसका हाथ, मेरे को बता रहा अब्बू ये देखो। और इसके बदले अगर फातिमा थी ना पिछली बार जब फातिमा को लगा था, बाप रे इतना रोई थी, इसको तो कुछ भी नहीं हुआ है, देखो एकदम नॉर्मल बैठा हुआ है, ज़रा भी नहीं रोया ये। कहाँ बबीता लग गया, दिखाओ सबको कैसे लगा, दिखाओ जरा कैसे लग गया, वो वाली उंगली जहाँ लगा है वो बताओ जहाँ नहीं लगा है वहाँ दिखा रहा है। लगाए हमारा नाश्ता सब करके हो गया और ना घर पे आया ना, तो खाना वगैरह दोपहर में सब बना लिए थे, तो अभी रात में कुछ भी नहीं बनाने का, अभी जाएंगे रोटी बनाने के लिए सुबह के लिए। तो माशाल्लाह बहुत मज़ा आया, अंडा क्या बोलते हैं अपना आमलेट और रोटी खा के बहुत मज़ा आई। और मेरे ना बहुत ही प्यारे YouTube की फैमिली है रहान और फातिमा को क्या बोलते हैं अपना खिलौने गिफ्ट किए थे, तो ये देखो ये है और एक ये है और क्या गया और एक ये, अल्लाह आपको सलामत रखे, बहुत पहले दिए थे लेकिन अभी कैसा बच्चे लोग का खिलौना है ना पूरा पता नहीं घूम के ख़त्म हो चुका है, तो अभी नया वाला निकाला हूँ मैं। और ये वाला ना इसके अंदर सेल लगेगा, मैं जा रहा हूँ मंदिर की दुकान पे इसमें इसका सेल लेने के लिए, तो चलिए चलते हैं इसके अंदर सेल डालते हैं और देखते हैं कौन सा सेल आएगा इसके अंदर, छोटा वाला या बड़ा वाला। फातिमा हाँ बेटा तुम आ रही है मेरी जान, जजाक अल्लाह बोलो आमीन। उसके अंदर सेल डाल दूँ मैं ठीक है, चलो खेलना लेकिन घुमाना नहीं बेटा, हाँ अच्छे से खेलना, अपनी जगह पर रख देना गुड्डू ठीक है। हाँ बेटी तुम्हारी है और किसकी देगी, तो इसका मैंने नट खोल दिया, चलो चलते हैं दुकान पे और सेल लेकर आते हैं। मंजी भाई की दुकान पे गया था, वहाँ पर ना भीड़ बहुत ज़्यादा थी, तो इसी वजह से मैं दिखा नहीं पाया सेल लेते हुए, तो उसमें कौन सा सेल लगने वाला था छोटा वाला, तो मैंने देखो ये वाला 3 सेल ले लिया और इसके 3 सेल लगता है। तो अभी चलते हैं घर पे और क्या बोलते हैं अपने इसको लगा के चालू करते हैं। हाँ आप क्या बोल रहे थे, वालेकुम सलाम, नहीं मालूम नहीं पड़ा क्या लॉकर तोड़ दिया ना चोरा था, क्या बात कर रहा है, जो मस्जिद में अंदर का जो लॉकर था ना कुछ चाबी अभी लेके आया, लॉकर तोड़ दिया मस्जिद में, उसको पैसा चाहिए था और जो जितना भी सामान था ना अपना ऑलराउंडर जितना बिल्डिंग सबका वो सब सही सलामत है, बस लॉकर टूटा मस्जिद का, मस्जिद को भी नहीं देख रहा भी नहीं किधर जा रहा है वो मस्जिद में, वो जो ब्राउन दरवाजा है ना वो हाँ हाँ देखो जो रखा ना इसमें वही, मैं इसके लिए एक बता यहाँ पर राउंड मारते रहता हूँ 1 बजे के बाद ही चोर नहीं है फिर एक नंबर का खब्बी से काफी रहेगा, दूसरा वाले तो हो नहीं सकते किसी हिम्मत है कितना, वो दरवाजा छोड़ मस्जिद को भी नहीं छोड़ रहे हैं देखो ना यार, अल्लाह रहम करे घर दरवाजा है वाला, हां हां देखा घर तो घर अल्लाह का दरवाजा दरवाजा लगा जो मेन लॉकर है ना अंदर मस्जिद में कर ले तो फिर स्टॉक क्या करेगा कोई होगा है ही नहीं किधर है आप, मैं घर पे आ रहा था भाई बच्चे लोग को थोड़ा सा मिला करने के लिए, हां मिल गया
मेहनत करेंगे इंशाल्लाह जाएगा। देखिए भाभी जो है नाराज है, बोले वीडियो देख रहे नहीं है यार, 2,000-4,000-5,000 व्यूज आ रहे 28,000 सब्सक्राइबर होने के बावजूद भी। लेकिन क्या कर सकते भाई, लोगों को जो पसंद है वो देखेंगे अपनी वीडियो को, बहुत कम लोगों को पसंद आती है तो इसी वजह से इतने व्यू नहीं जा पाते। हाँ बेटा चलो दोस्तों मैं लेकर आ गया हूँ, इसको खोलते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया इतना प्यारा बच्चे लगो गिफ्ट देने के लिए। भाई सेल जल्दी ख़त्म हो जाएगा ऐसा लग रहा है। वाह बेटा जल्दी जल्दी सेल खत्म नहीं करना। हाँ जल्दी खत्म नहीं करना भाई। छुरी दो जरा छुरी दो हैं? अरे मम्मी जी ऐसा फोन आ रहा है जैसे जुगाड़ करना पड़ता है। ये टेस्टर भी था छोटा, ये देखो इसके अंदर ना बहुत सारे ऑप्शन है एकदम, और ये रबड़ का एकदम मस्त। और अभी क्या करेंगे कार्टून बज रहा। अरे वाह फातिमा इधर देखो मजा आ रही है। क्या क्या बजा रहे बेटा तू? हाँ किसको फोन कर ले? मजा आ रही ना? अरे वाह अरान को तो, अरान को, अरान बाबू को भी दो। चलो बेटा तुम भी खेलो। हाँ दे रहे दे रहे अरान भाई है ना, दोनों जन मिलके खेलने का मेरी चाह। हाँ ऐसे गंदी बात नहीं, नहीं गंदी बात नहीं। हाँ दबाओ तुम भी दबाओ दबाओ बेटा। अले वाह अले वाह अले वाह माशाल्लाह। ऐसा दबाने का दबाए ऐसा, ये दबाए, ये नीचे वाला, ये ए लो। अरान को नहीं पता चल रहा है, इसको देखो क्या हो क्या। अच्छा ला एला आराम आप ला दे दो बहन, आपा खेलना तुम बाद में ले लेना ठीक है। रोतड़ी कहीं की हेले, रोतड़ी कहीं की भाई है ना, जरा अच्छे से खेल लेगा ना दोनों जन। हेलो तुम ये ले लो, हेलो तुम ये ले लो बहन से अच्छा है ये, बहुत सारा ये खेलो इससे ठीक है। चलो पीछे खेलो अभी ती, हाँ खोल के दे रहा हूँ मैं रुक जाओ। हाँ मजा आई ना ये देखो, अरे क्या हो गया इसको। इसको मैंने दे दिया हूँ ये वाला खिलौना निकाल के। हेलो बेटा बनाओ इसके अंदर सब। हाँ चलो एप्पल खाओ, ये खाओ, सब कुछ खा लो, छुरी से काटो। हाँ ये सही में खा रहा है, खाओ ये देखे नहीं है देखो माशाल्लाह। हाँ खाओ खा लो। क्या बोल रहे तुम फातिमा, क्या बोल रहे, मजा आ रही ना? हाँ खेलो। हाँ पापा पापा 4-6 4-6 अभी ये वाला देखो, ये वाला अरे छोड़ो तो सही ये वाला। चलो भाई दोनों बच्चे तो लग गए हैं खेलने में खिलौने में यार, हम अपना फल फ्रूट खा रहे हैं और वहाँ पर वो देखो चला रही है। बहुत बहुत ही अफसोस हुआ मुझे सुन के कि मस्जिद में भी अब चोरी होने लगी है, अल्लाह खैर फरमाए। हाँ हाँ चोर आया था रात में, कबाट वबाट खोलने की कोशिश किया था लेकिन नहीं खुला तो ऐसे ही छोड़ के चले गए सर, अल्लाह रहम करे। क्या बोल रहे हैं एकदम अफसोस होता है। और बीच में अभी ये हुआ था ना, चचा को ट्रेन में पकड़ के मारे थे कुछ लोगों ने। अब मुझे भी ऐसा ट्रेन में सफ़र करने बहुत डर लगता है क्योंकि अपन भी ट्रेन में सफ़र वफ़र करते हैं, आना जाना होते रहता है, तो अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो, लेकिन फिर भी बोल नहीं सकते भाई। अल्लाह हिफाजत करे हम सबकी पूरे लोग की। ऐसा नहीं है कुछ भी मतलब दिल में अपने लिए किसी के लिए बुग्ज़ है। पहली बात तो जुल्म करना, जुल्म सहना, जुल्म करना तो अच्छी बात है नहीं किसी भी, चाहे वो कोई भी हो, जुल्म नहीं करना चाहिए किसी को भी, तो अल्लाह खैर फरमाए। तो चलिए इसी के साथ आज का ब्लॉग इधर एंड करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, अपना प्यार से बड़ा ऐसे।